नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एनडीए यूजीसी नेट पर। और आज हम इस मैराथन सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और मैराथन सेशन में अपने अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो सभी ने अच्छे से सहभागिता निभानी है, यहाँ पर अच्छे से तैयारी करनी है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं और उत्तर देकर के अपने उत्तरों को दिमाग में बिठा लेना है कि किस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमें किस तरीके का जवाब जो है यहाँ पर देना है। अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न आएंगे, तो सभी ने पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अंग्रेजी में दुविधा लग रही है, हिंदी को पढ़िए, हिंदी में दुविधा लग रही है, अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को पढ़िए और ध्यान से पढ़ करके अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दीजिए। कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस मिल जाते हैं, सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड हैं, आप इन्हें अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको कोर्स जो है वो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल होता है। पेपर वन पेपर टू दोनों की तैयारी कराई जाती है, मॉक टेस्ट सीरीज होती है, बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज जिससे आपकी लगातार जो है वो आपका अभ्यास बना रहेगा, आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहेंगे प्रॉपर। जिस तरह से एनटीए यूजीसी नेट में आप बैठ करके आराम से परीक्षा देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, वहां पर भी आपकी इसी तरीके की मॉक टेस्ट सीरीज होती है, आपका परिणाम घोषित किया जाता है, आपको प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड वहां पर उपलब्ध होती है। ठीक है, तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, देर मत कीजिए, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि मेरा ही रेफरल कोड आपने इस्तेमाल करना है। मेरा रेफरल कोड है लाइव जेजे। ठीक है, आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको फीस में मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। कैपिटल में आप लिखेंगे बिना किसी स्पेस के लाइव जेजे, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के प्लेटफॉर्म की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भारत के सबसे टॉप एजुकेटर हैं, आप इन टॉप एजुकेटर्स के लाइव सेशन ले सकते हो। लाइव सेशन में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, आपको सारे अपकमिंग कोर्सेज की जानकारी यहाँ पर मिलती है और सारे अपकमिंग मॉक टेस्ट सीरीज की जानकारी यहाँ पर मिलती है और वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। आपके समय को बचाता है, पढ़ने के लिए कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, आपकी पढ़ाई में किसी भी किस्म का व्यवधान जो है वो नहीं आता। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कोरोना के कारण से सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है कोचिंग के वो बंद हो चुके हैं, सारे ऑफलाइन शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं, लेकिन आप लगातार यहाँ पर अनअकैडमी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपने, बस जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना है। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है इस प्रक्रिया को जान लीजिए। करना क्या है, आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर के आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना गोल सिलेक्ट करना है, गोल में डालना है एनटीए यूजीसी नेट। इस पे सिलेक्ट करने के बाद आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी, जितने महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उतना मंथ सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि एक साल का या दो साल का सब्सक्रिप्शन यही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके एक तरह से अन्य एक महीने या तीन महीने या छह महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसके मुकाबले आपको बहुत सस्ता पड़ता है। जब आप एक महीने की फीस यहाँ पर देख रहे हैं तो आपकी 875 रुपए जो है एक महीने की फीस पड़ रही है। आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 2100 का पड़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत सस्ता आपको एक साल और दो साल का सब्सक्रिप्शन पड़ रहा है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एक साल दो साल में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, प्रॉपर रिविजन दो साल के कोर्स में आपकी हो जाती है, कंप्लीट कोर्स आपका एक साल में ही होगा। ठीक है, इसलिए पूरी तैयारी करनी है तो एक साल और दो साल से बेहतर सब्सक्रिप्शन कोई और नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद आपने ध्यान रखना है, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वहां पर एंटर रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा और वहां पर आपने मेरा रेफरल कोड लगाना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। रेफरल कोड यहाँ स्क्रीन में आपको दिया गया है, लाइव जेजे मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, इसके माध्यम से आप फीस में 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, हर टीचर की वीडियो को देख सकते हैं, पेपर वन पेपर टू मॉक टेस्ट सीरीज सभी कुछ आपको मिलेंगे। फीस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो आपके ऑफलाइन कोचिंग की तुलना में यहाँ पर बहुत ही कम आपको फीस मिल रही है और साथ ही गुणवत्ता क्वालिटी जो है आपको वहां से कई गुना बेहतर यहाँ पर मिल रही है।
तो आप देख रहे हैं, एक साल की फीस आपकी 10,500 रुपए है, आपने मेरा रेफरल कोड लगाया और एक साल की फीस जो है आपको पड़ गई 9,450 रुपए। बहुत कम फीस है। 2 साल की फीस जो देख रहे हैं आप 12,600 रुपए है, फिर से आप मेरा रेफरल कोड लगा रहे हैं लाइव जेजे, तो आपको फिर से 10% का डिस्काउंट मिलता है। और 10% के डिस्काउंट के बाद आपकी फीस रह जाती है 11,340 रुपए। तो देर मत कीजिए, बहुत कम फीस है, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो और सब्सक्रिप्शन के प्लेटफॉर्म में आ जाइए। नेट क्या आपके JRF क्वालिफाई करना जो है वो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? और वो कैसे आसान होगा? वो होगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है? अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अब आप अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस मैराथन सेशन को शुरू करते हैं। सभी बच्चे प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आपको मैं थोड़ा सा समय दूंगी, उस समय में आपने अपने अपने उत्तरों को जो है कमेंट बॉक्स में डालना है, और कमेंट बॉक्स में डालने के साथ साथ आपने एक कागज कलम लेकर के बैठना है, अपने अपने उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या आपने नोट करनी है, ठीक है? ताकि इससे आपको पता चल जाए कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ताकि आपको अपनी स्थिति का जो है वो एक अंदाजा रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है, व्याख्यान देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर एक शिक्षक को चाहिए थोड़ी देर के लिए रुके और फिर चले। कक्षा में जो हो रहा है उससे परेशान ना हो, गड़बड़ी करने वालों को दंडित करे। ऊपर के सभी विकल्प जो हैं वो सही है। ए, बी, सी या डी, कौन से कथन को आप सही कहेंगे? अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टरबेंस इन द क्लास देन अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को? कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन गो ऑन। बी, नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। सी, पनिश दोज कॉजिंग डिस्टरबेंस, या डी, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से सभी प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ के आपने उसका उत्तर देना है, ठीक है? बहुत ही बुनियादी प्रश्न है। बुनियादी प्रश्नों के आधार पर हम शुरू कर रहे हैं सत्र को, और धीरे धीरे हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को करना है। पूर्व वर्षों के प्रश्न भी आपके रिवीजन के लिए शामिल किए गए हैं, और कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी आपको यहाँ पर हल कराया जा रहा है। तो सभी ने उम्मीद है उत्तर जो है वो दे दिया होगा। अब इसका उत्तर हम डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया था, व्याख्यान देते समय जब कक्षा में शिक्षक जो है अपना व्याख्यान दे रहा है, उस समय पर कक्षा में कुछ अशांति हो रही है, यानी कि छात्र जो है वो कुछ अनुशासनहीनता प्रदर्शित कर रहे हैं, या फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपको उसके कारण व्यवधान हो रहा है, तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करेगा? पहला विकल्प कह रहा है थोड़ी देर के लिए रुके और फिर चले, ठीक है? ये बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ए विकल्प पर हम जाएंगे, शिक्षक को थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए और उसके बाद अपने पाठ को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जब आप रुकेंगे तो जो भी गतिविधियां क्लास में चल रही होंगी, छात्र जो है उससे आगाह हो जाएंगे कि शिक्षक जो है वो एकदम से मौन धारण उसने क्यों कर लिया है, तो वो मौन धारण करने के कारण को समझ जाएंगे कि शिक्षक को जो है वो अपने पाठ को प्रस्तुत करने में कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है, और वो इस चीज से एक तरह से कुपित है कह सकते हैं, या वो इस चीज से क्रुद्ध है जिसके कारण से वो रुक गया है, और उसके बाद जब बच्चे जो है शिक्षार्थी जो है वो शांत हो जाए तो शिक्षक को फिर से अपने पाठ को प्रस्तुत करना चाहिए, अपनी व्याख्यान को प्रस्तुत करना चाहिए। बी विकल्प कह रहा था कक्षा में जो हो रहा है उससे परेशान ना हो। देखिए, व्यवधान होगा तो परेशान होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, आप पढ़ा नहीं पाएंगे, अपना व्याख्यान नहीं दे पाएंगे अच्छे तरीके से। गड़बड़ी करने वाले को दंडित करें, दंडित करना, वर्तमान समय में आप शिक्षार्थियों को दंडित नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगला विकल्प कह रहा है ऊपर के सभी सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दंडित नहीं कर सकते हैं, आप जो हो रहा है उससे परेशान हुए बिना आप कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए ए विकल्प जो है थोड़ी देर के लिए रुके और फिर चले बिल्कुल ही सही विकल्प है इस प्रश्न का। स्क्रीन पर उत्तर भी आ गया है, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए आप एक महत्वाकांक्षी शिक्षक है। महत्वाकांक्षी का तात्पर्य है कि आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की आकांक्षा रखते हैं, ठीक है? तो आप एक ऐसे शिक्षक है जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है, अपने पास क्लासरूम टीचिंग के लिए उच्च आदर्श है, आपके पास
क्लासरूम टीचिंग के लिए उच्च आदर्श है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। इस समस्या के कारण अंतर्निहित हो सकते हैं, आप महत्वाकांक्षी शिक्षक हैं, लेकिन जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार जा रही है। समस्या का कारण हो सकता है, विकल्प कह रहे हैं कि या तो हो सकता है कि आपका शिक्षण स्तर छात्रों की क्षमता स्तर से ऊपर हो, आप ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उनके बौद्धिक स्तर से आप बहुत ऊपर की चीजें उनको पढ़ा रहे हैं। बी विकल्प कह रहे हैं, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद आपके प्रयासों को निरर्थक बनाते हैं, बच्चे आपस में ही अपने व्यक्तिगत मतभेदों में ही उलझे हुए, जिसके वजह से वो आप क्या पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सी विकल्प कह रहा है कि ए बी दोनों ही सही है। डी विकल्प कह रहा है कि इनसे कोई भी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो जल्दी से उत्तर दीजिए अंग्रेजी वाले बच्चे। सपोज यू आर एन एम्बिशियस टीचर, यू हैव हाई आइडिया फॉर क्लासरूम टीचिंग, बट योर हार्ड लेबर गोज इन वेन। द रीजन अंडरलाइन दिस प्रॉब्लम मे बी ए बी सी या डी। अंग्रेजी वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, दोनों ही ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए जल्दी से, ठीक है? उसके बाद हम इसकी चर्चा कर लेंगे, इस प्रश्न के उत्तर की। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। देखिए, मैराथन क्लास है, रिवीजन सेशन है, आपने अच्छे तरह से अभ्यास करना है। हर प्रश्न को आप हल्के में नहीं लें, गंभीरता से प्रश्न को देखें और पढ़ें। इससे आपको अपनी स्थिति का आंकलन हो रहा है, किस तरीके के प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, ये आपको एक यहाँ पर अंदाजा लग रहा है, ठीक है? तो सही विकल्प होगा ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों ही सही है, यानी कि आपका शिक्षण स्तर, ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं कि या तो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, आप बच्चों की दिमाग बौद्धिक स्तर से ऊंची चीजें पढ़ा रहे हैं उनको, ठीक है? और दूसरा कारण भी हो सकता है कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद है, जिसके कारण वो अपने व्यक्तिगत मतभेदों में ही उलझे हुए हैं और आपके जितने भी प्रयास हैं उनको पढ़ाने के लिए वो कहीं ना कहीं बेकार चले जा रहे हैं। तो जो सी विकल्प है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। स्क्रीन पर आपके उत्तर आ चुका है, इसको ध्यान से देख लीजिए और उसके पश्चात अपने अपने जो जिन्होंने भी गड़बड़ किया है उसको एक बार अपने अपने उत्तरों की समीक्षा कर लीजिए, ठीक है? अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी को छोड़कर कर सकता है। सभी को छोड़कर क्या कर सकता है? सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, विद्यार्थियों को उनकी समस्याएं हल करने के लिए मदद करें, या राजनीति में दिलचस्पी लेना, क्लबों और अन्य स्कूल मामलों का प्रयोजन करें। आपसे पूछा गया है, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सपेक्ट, क्या करना है शिक्षक को अन्य को छोड़कर के, जो क्रिया करनी है या जो कर सकता है उसको आपने इसमें इसके इस प्रश्न के माध्यम से विकल्पों के आधार पर बताना है। जल्दी से बताइए सभी, जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा, जो दे रहे हैं देते जाइए लेकिन साथ साथ व्याख्या भी सुनते रहिए, ठीक है? सही उत्तर है इस प्रश्न का बी विकल्प, यानी कि विद्यार्थियों को उनकी समस्या हल करने के लिए मदद करे, ठीक है? क्या करना है, एक शिक्षक को अपेक्षा की जाती है कि वह सभी को छोड़कर अन्य क्रियाओं को छोड़ दे और प्राथमिक तौर पर वो इन सब ये प्रमुख कार्य करे जिसमें विद्यार्थियों को उनकी समस्या को हल करने में विद्यार्थियों की उसे मदद करनी चाहिए, ठीक है? इसलिए बी विकल्प जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देश शुरू करने से पहले एक शिक्षक को चाहिए, निर्देश शुरू करने से पहले एक शिक्षक को चाहिए उनके छात्रों के मौजूदा ज्ञान और उनकी पृष्ठभूमि के ज्ञान को जाने, विद्यार्थियों के दिमाग पर काम करने वाले पर्यावरणीय चर से अवगत रहे, अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा जगाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तर दीजिए फटाफट से। चौथे प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन अ टीचर शुड, क्या करना है टीचर को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तर दीजिए। आज बस हम जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों पर एक निगाह मारेंगे, सभी ने अच्छे से तैयारी करनी है, हम बातचीत में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है? फटाफट से उत्तर दीजिए ताकि हम अपने उत्तरों को यहाँ पर डिस्कस कर सके।
तो बिल्कुल सभी बच्चे देखिए अपने उत्तर को, अगर गड़बड़ है तो आप उस पर विचार कीजिए, ठीक है। डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि ऊपर के सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। निर्देश शुरू करने से पहले एक शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों के मौजूदा ज्ञान और उनकी पृष्ठभूमि के ज्ञान को जाने, यानी कि वर्तमान समय में उनका कितना ज्ञान है और उनको पिछले समय में कितनी जानकारी रही है किस विषय से संबंधित, ठीक है। विद्यार्थियों के दिमाग पर काम करने वाले पर्यावरणीय चर से अवगत रहे, यानी कि बच्चे के जो भी बौद्धिक क्रियाएं हैं, जो भी उसका अधिगम का स्तर है, वो किन किन पर्यावरणीय चरों से, किन किन कारकों से प्रभावित होता है, उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा जगाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम उसे होना चाहिए। जब जिज्ञासु नहीं होंगे बच्चे तो अधिगम के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत करे, ठीक है। इसलिए उपरोक्त सभी यानी डी विकल्प जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। जॉन लॉक के वाक्यांश तबुला रासा का क्या अर्थ है? जॉन लॉक फ्रेज ऑफ तबुला रासा मींस ताल एंड रास फ्री एजुकेशन माइंड इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से उत्तर देना है। ताल और रस मुक्त शिक्षा मन ही विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम है या ऊपर के सभी? जल्दी से उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देने का समय मैंने दिया है यहाँ पर, इसके बाद हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस पर व्याख्यान देने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये कथन पूछा गया है, तो साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक का जो वाक्यांश जो कहा गया है तबूला रासा, इसका अर्थ है मन ही विकास की प्रक्रिया का एक परिणाम है। स्क्रीन पर आपके प्रश्न का उत्तर है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न छठा है, कह रहा है टीवी शिक्षण सहायता के रूप में रेडियो से बेहतर है, क्योंकि टीवी को आपको आपके रेडियो से बेहतर बताया गया है। कारण क्या है रेडियो से बेहतर होने का? महंगा है टीवी, ठीक है, दो इंद्रियों को आमंत्रित करता है। इंद्रिया कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही है बोल रहा है? श्रवण और दृष्टि, दोनों इंद्रियों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साथ सीखने से अधिक सटीक रूप से अधिक सटीक रूप की ओर ले जाता है, यानी कि दोनों इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। आमतौर पर विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है टीवी देखना, बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है इसलिए, या ऊपर के सभी? जल्दी से उत्तर दीजिए प्रश्न का। फटाफट से हमने एक एक नजर मार लेती हैं। मैराथन का उद्देश्य ही ये रखा गया है कि आपका एक बार यहाँ पर सभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो जाए, तो ध्यान से जल्दी से सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देते रहने, एक एक निगाह आपने सभी पे मार लेनी है, अपना अभ्यास कर लेना है किस तरीके का प्रश्न आएगा तो हमारी प्रतिक्रिया या हमारा उत्तर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बी विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। दो इंद्रियों को आमंत्रित करता है, यानी कि आप सुन भी सकते हैं देख भी सकते हैं। जब दो इंद्रियां वहां शामिल हो गई, आप सुन भी रहे हैं देख रहे हैं, तो उससे बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से अपना अधिगम करते हैं। तो बी विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन पर शिक्षकों के बीच आम सहमति है? निम्नलिखित में से किस कथन पर शिक्षकों के बीच आम सहमति है? अनुशासनात्मक मामलों को प्रिंसिपल के पास तभी भेजा जाना चाहिए जब अन्य साधन विफल हो गए हों। अनुशासनात्मक मामलों को प्रिंसिपल के कार्यालय में कभी नहीं भेजना चाहिए। कक्षा में अनुशासनात्मक मामलों को पूरी तरह से उपेक्षित किया जाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर दीजिए। सातवें प्रश्न का आप लोग उत्तर दे रहे हैं। ए बी सी और डी, चार विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी से उत्तर दे डालिए। तो सही जवाब है आप लोगों का, मैं व्याख्या यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ए विकल्प कह रहा है कि अनुशासनात्मक मामलों को प्रिंसिपल के पास तभी भेजा जाना चाहिए जब अन्य साधन विफल हो जाए, यानी कि जो बी विकल्प कह रहा है अनुशासनात्मक मामलों को प्रिंसिपल के कार्यालय में कभी नहीं भेजना चाहिए, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यदि प्रिंसिपल को अपने विद्यालय में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो वो किस प्रकार से प्रिंसिपल के पद पर आसीन है। तो एक यदि कोई भी कक्षा में या विद्यालय में कोई भी अनुशासनहीनता की कोई भी कार्यवाही वहां पर हो रही है और निरंतर हो रही है तो शिक्षक को, वो एक प्रधानाचार्य को उससे परिचित होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षक का एक कर्तव्य बन जाता है वहां पर कि यदि कोई ऐसी
कठोर अनुशासनात्मक समस्या उसके सामने आ रही है, जो कि शिक्षकों का एक समूह भी सहन नहीं कर पा रहा है, तो उस संबंध में इसकी जानकारी प्रिंसिपल को अवश्य रूप से होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासनात्मक मामलों को पूरी तरह उपेक्षित किया जाना चाहिए। आप ऐसा यदि अनुशासनात्मक मामलों की उपेक्षा कर देंगे तो कभी भी विद्यार्थियों में अनुशासन जो है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों का एक भी अनुशासनहीन कार्य, उस पर एक पैनी नजर, एक कड़ी नजर शिक्षक द्वारा रखी जानी बहुत आवश्यक है। यदि आप प्रारंभ में ही उसकी क्रियाओं को, अनुशासनहीन क्रियाओं को अनदेखा कर देंगे तो वो आगे चलकर कुछ बड़ा अनुशासनहीन कार्य करने के लिए उससे प्रोत्साहित होगा कि कोई तो उसको देख नहीं रहा है, कोई उसको उसके लिए कोई भी दंड नहीं दे रहा है, तो उससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा अनैतिक कार्य करने का। इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सही विकल्प है आपका अनुशासनात्मक मामलों को प्रिंसिपल के पास तभी भेजा जाना चाहिए जब अन्य साधन विफल हो। आपने हर तरकीब इस्तेमाल करके देख ली हो, आपने पूरे सभी शिक्षकों से चर्चा कर ली हो, ठीक है, अपने साथी शिक्षकों से, और उसको सुधारने के लिए हर तरीके का प्रयास कर लिया हो, तभी आप उसके लिए प्रधानाचार्य के पास लेके जाएंगे। दैनिक क्रियाओं में आपकी रोजमर्रा के कक्षा शिक्षण के दौरान वो छोटी मोटी शैतानी कर रहा है, आप उससे नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप हर समय प्रिंसिपल के पास उसे नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब आवश्यक हो तो उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाना चाहिए, हर समय नहीं। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। एक शिक्षक के कार्यक्रम में है, एक शिक्षक के कार्यक्रम में है क्या है? बच्चे का मार्गदर्शन करना, उसकी प्रगति और मूल्यांकन में मदद करना, या होमवर्क की जांच करना, इसका मार्गदर्शन करना और आगे का कार्य सौंपना, ये दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से उत्तर दीजिए। आठवें प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। एक शिक्षक के कार्यक्रम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो है एक बच्चे का मार्गदर्शन करना, ठीक है, उसको अच्छे से गाइड करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसकी प्रगति और मूल्यांकन में उसकी मदद करना, जो भी उसको समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान करना, उसके लिए प्रगति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करना, और मूल्यांकन, उसका अच्छी तरह से मूल्यांकन हो सके, क्या कमी रह गई, ताकि उन कमियों को जान करके सही तरीके से उन कमियों का समाधान करने का प्रयास जो है वो किया जा सके। इसलिए ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। होमवर्क की जांच करना, उसका मार्गदर्शन करना और आगे का कार्य सौंपना, ये बहुत ही संकीर्ण है। केवल होमवर्क जांचना या होमवर्क कार्यों में उसका मार्गदर्शन करना या फिर से उसको आगे के कार्य होमवर्क के रूप में दे देना, ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसलिए ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अपने विद्यार्थियों के साथ तालमेल विकसित करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए? उनका मार्गदर्शन करें, उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करें, संचार क्षमता है, या ऊपर के सभी? नवे प्रश्न का आपने उत्तर देना है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अपने विद्यार्थियों के साथ तालमेल विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसके साथ लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए, संचार क्षमता यानी कि आपको बेहतर तरीके से अपनी संचार, अपना संप्रेषण जो है वो अच्छा करना चाहिए, जिससे कि आप बच्चे से अच्छे तरीके से जो है अपने विचारों को उस तक पहुंचा सके और उसके विचारों को आप ग्रहण कर सके, ताकि आप उसकी समस्या को समझेंगे, जो कह रहा है उसको समझेंगे, तो उसकी समस्या का आप निदान भी कहीं प्रस्तुत करेंगे, या ऊपर के सभी? तीनों विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो सही जवाब है आपका इस प्रश्न के लिए डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि एक विद्यार्थी के साथ तालमेल विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो पहले उसका मार्गदर्शन भी करना चाहिए, उसके साथ लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करें। लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करने का क्या तात्पर्य है? कि एक खुली कक्षा उसको मिले जिसमें कि वो निर्भय होकर के, बेहिचक होकर के अपनी बात, अपनी समस्या को शिक्षक के सामने रख सके, ठीक है। ऐसा माहौल उसे वहां पर देना चाहिए। और संचार क्षमता मैंने आपको पहले भी पूर्व व्याख्या की है कि ऐसी इस तरीके की व्यवस्था की जाए जिसमें कि शिक्षक जो है बेहतर तरीके से बच्चा जो कह रहा है उसको भी समझे और अपनी बात जो वो कहना चाहता है, जिस तरीके का मार्गदर्शन वो देना चाहता है, उसे सही तरीके से बच्चे को कह सके, जिसके माध्यम से बच्चे की समझ जो है वो विकसित हो सके। तो इसलिए ऊपर के सभी जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है नवे प्रश्न के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
प्लेटो के अनुसार प्रेरणा बुद्धि और कारक प्रेरक कारक है। अगला जेम्स बर्ड के अनुसार जन्मजात अनियंत्रित प्रवृत्तियां जिन्हें वृत्ति कहा जाता है प्रेरक बल है। बर्लिने के अनुसार जिज्ञासा और आकांक्षा का स्तर प्रेरक कारक है या ऊपर के सभी, जल्दी से बताइए ए बी सी या डी। ये कथन है, इसमें व्याख्या करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डी विकल्प, बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ठीक है, यानी कि जो ऊपर के सारे ही कथन जो कहे गए हैं वो बिल्कुल सही है और प्रेरणा के संदर्भ में ये सारे ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, इसमें व्याख्या वाली कोई चीज नहीं है। आप इन कथनों को देखिए तो इन कथनों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसने क्या कहा है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, 11वां प्रश्न। एक शिक्षक के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही है सिवाय इसके कि वह है, जल्दी से इसका उत्तर देना है आपने। कथन सभी कथन सही है, एक जो है वो सही नहीं है, आपने उसको बताना है। ठीक है, एक दोस्त गाइड और दार्शनिक सिखाता है कि छात्रों को क्या पता है, वर्ग का नेता है या चेंज हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सोसाइटी, यानी कि समाज की आवश्यकता के अनुसार वो अपने व्यवहार और अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करता है। आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा व्यवहार जो है वो नहीं है। ठीक है, एक शिक्षक के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही है, एक के सिवा जो सही नहीं है उसे बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, आप दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे इसकी व्याख्या करती हूं। सही जवाब है आपका बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि केवल इस कथन को छोड़ करके सिखाता है कि छात्रों को क्या पता है, यानी कि टीच व्हाट द स्टूडेंट नो। इसकी अंग्रेजी वाली व्याख्या आप देख लीजिए, वो जो बच्चों को पहले से ही पता है वो उनको बता रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप नया ज्ञान एक शिक्षक बच्चों को देने का प्रयास करता है, जो पहले से ही पूर्व जानकारी उन्हें होती है वही नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसलिए सारे कथन जो ए सी डी है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो बी विकल्प है ये गलत विकल्प है। ए कह रहा है कि वो एक दोस्त भी है, एक गाइड भी है, एक दार्शनिक भी है। जो शिक्षक है वो एक दोस्त की भूमिका भी निभाता है, एक गाइड की भूमिका भी निभाता है और एक दार्शनिक की भूमिका भी निभाता है, और वो एक वर्ग का नेता भी होता है। वर्ग कौन होता है? छात्रों का वर्ग होता है। ठीक है, उन शिक्षार्थियों के वर्ग का नेता या नेतृत्व करता होता है, लीडर होता है। अगला कह रहा है समाज की आवश्यकता के अनुसार उसके दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलता है। किसके? शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण और व्यवहार को वो समाज की आवश्यकता के अनुसार बदलने का कार्य करता है। कौन? शिक्षक। ठीक है, तो जो बी विकल्प है वो इसके संदर्भ में गलत है, जो पहले से पता है वही चीज नहीं पढ़ाता है वो। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण कदम है, देखिए यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है महत्वपूर्ण कदम नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हाथ से पहले योजना यानी कि प्लानिंग बिफोर हैंड, आयोजन की जाने वाली सामग्री, छात्रों की पृष्ठभूमि को जानना या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है, सभी उद्देश्य, पहला महत्वपूर्ण कदम पूछा गया है, सभी कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम की बात की गई है। सबसे पहले क्या आयोजित करेंगे आप, कौन सा कदम जो है वो पहले किया जाएगा आयोजन? तो इस प्रश्न का सही जवाब है छात्रों की पृष्ठभूमि को जानना, यानी कि इसमें आप क्या जानेंगे, उनका पूर्व ज्ञान जानेंगे कि बच्चों के पास पूर्व ज्ञान कितना है। जब आप उनके पूर्व ज्ञान का अंदाजा लगा लेंगे आपको पता होगा कि बच्चों की मानसिक स्तर कैसा है, बच्चों को कितना ज्ञान है पूर्व, तो इसके माध्यम से आप उनको नवीन ज्ञान देने का अपनी नीति जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, किस तरीके से किन विषयों पर उनके काम करना है। इसलिए जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। पहला जो कदम आप उठाएंगे वो पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आप छात्रों के लिए जो है वो योजना आप तैयार करेंगे, उसके बाद आप आयोजन की जाने वाली सामग्री का कहीं ना कहीं जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठन करेंगे उनका कि किस तरह से उनको क्या चीजों से किसके माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों की पृष्ठभूमि को जाना जो है वो पहला महत्वपूर्ण कदम हो जाता है यहाँ पे। अगले पे चलते हैं, 13वें प्रश्न पे।
एक नया शिक्षक जिसके प्रति कक्षा के छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, वह छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? एक नया शिक्षक जिसके प्रति कक्षा के छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, वो नया नया स्कूल में आया है, एक शिक्षक है जो नया नया स्कूल में आया है, बच्चे उससे परिचित भी नहीं है, नए नए शिक्षक को देख करके बच्चे जो है वो सोचते हैं कि ये शिक्षक शायद हमें कुछ छूट दे देगा, और जैसे जैसे वो उसको बिल्कुल भी एक तरह से कहते हैं अपने साथी साथियों की तरह ही वो लेते हैं, उनसे डरते नहीं है या कह सकते हैं कि उनको ज्यादा महत्व नहीं देते प्रारंभ में, तो वो क्या करेगा जिसके साथ बच्चे नया नया शिक्षक आया हुआ है उसके साथ बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं, वे छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? दंडात्मक उपाय लागू करेगा, कोई उनको दंड दे देगा, मारपीट करेगा या फिर और अन्य तरीके का दंड दे देगा, अपने गुणों में सुधार करेगा, अपने स्वयं के गुणों में सुधार करेगा और सामने अपने गुणों के अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा, और क्या करेगा, उनके सामने अपने सारे के सारे गुणों को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेगा, प्रिंसिपल से परामर्श के बाद अपनी कक्षा बदल लेगा, अपनी कक्षा ही बदल लेगा वो, ठीक है, या उन्हें निष्कासन की धमकी दे देगा कि मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। जल्दी से उत्तर दीजिए। एक नए शिक्षक के तौर पर जब भी आप किसी विद्यालय या स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो नए नए छात्र को थोड़ा बहुत उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, वैसे ही धीरे धीरे जब उसकी पकड़ जो है उस संस्थान पे मजबूत बनती जाती है तो बच्चों को ये पता चल जाता है हाँ भाई ये शिक्षक में भी दम है, इतने साल हो गए हैं, इतने सालों से वो हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो अनुभव के आधार पर वो आपकी जो है इज्जत करने लग जाते हैं या ये कह सकते हैं कि आप उनसे संपर्क में आ जाते हैं, और संपर्क में आने से उनका एक भावनात्मक जुड़ाव आपसे हो जाता है जिसके माध्यम से वो आपसे जुड़ाव महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन वहीं आप जब नए होते हैं तो वो जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं, ठीक है, वो आसानी से आपको स्वीकार नहीं करते जिसके कारण वो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अनुशासनहीन क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो जो सही उत्तर है इस प्रश्न का, आप लोगों ने सभी ने उम्मीद है कि अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, तो जो सही उत्तर है वो है अपने गुणों में सुधार करेगा, सबसे पहले अपने कमियों को देखेगा और जो कमियां उसके अंदर है उन कमियों को हटा करके गुणों को विकसित करेगा जिसके कारण से उसको कक्षा में अपना स्थान बनाने में समस्या आ रही है, और उनके सामने अपने गुणों को अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा, अपने आप को एक अपनी पहचान बनाएगा बच्चों के सामने, और अपने अंदर जितने भी खासियत है वो अपनी क्रियाओं के माध्यम से, केवल अपना बड़बोलापन दिखा करके नहीं बल्कि अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने विषय ज्ञान के माध्यम से वो बच्चों पर अपनी छाप छोड़ने का कार्य जो है वो करेगा। इसलिए दंडात्मक उपाय जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, दंडात्मक उपाय बच्चों के साथ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल से परामर्श के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी सेक्शन ही बदल दीजिए या मेरी क्लास ही बदल दीजिए, ना ही आप बच्चे को ये धमकी दे सकते हैं कि आप उन्हें स्कूल से निकलवा देंगे, ठीक है, तो जो बी विकल्प है वो बिल्कुल ही सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 14वां प्रश्न है जो कहता है कि मान लीजिए कि आप अल्पसंख्यक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जहां पर अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, जहां जातिवाद और संकीर्ण मानसिकता आपको पीड़ित करती है, वहां बेहतर समायोजन के लिए आपको चाहिए, एक ऐसे अल्पसंख्यक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जहां पर अधिकांश बच्चे जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग से आ रहे हैं और उनकी जो मानसिकता है वो जातिवादी मानसिकता है या बहुत ही संकीर्ण सोच वो लेकर के चलते हैं जाति के प्रति, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एक वहां पर एक बेहतर समायोजन स्थापित करने के लिए, उनको थोड़ा जागरूक करने के लिए, उनकी मानसिकता का विकास करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन संकीर्ण दीवार से परे मानवतावादी मूल्यों के उत्थान करें और अपने छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करें, वहां विनम्र रहें और हर कीमत पर अपनी नौकरी बचाने की सोचें, इस तरह के रवैये के खिलाफ विद्रोह करना क्योंकि वह भारतीय समाज के मानदंडों के खिलाफ है, या ऊपर में से कोई भी नहीं, ठीक है, नन ऑफ द अबव, क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? और इस तरीके की समस्या कई बार हो सकता है जब आप आगे शिक्षक बनेंगे, आप एक प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, तो ऐसी समस्या आपके जीवन में आती है जब जातिगत सांप्रदायों के आधार पर आपके विद्यार्थी वर्ग में या फिर आपको आसपास के समुदाय में इस तरह की मानसिकता देखने को मिलती है, तो एक शिक्षक के तौर पे आपको उस समय आदर्श स्थिति को रखना है, ठीक है, अपने आदर्श स्वरूप को बनाए रखना है, आपको स्वयं उन संकीर्णताओं में नहीं पड़ना, उन संकीर्णताओं से उभर करके सामने आना है और बच्चों के सामने एक बेहतर सोच को आपने प्रस्तुत करना है, जिससे कि एक शिक्षक यदि आदर्शवादी सोच रखेगा, एक शिक्षक यदि जागरूक होगा, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा तो बच्चों को वो स्वाभाविक रूप से इसके प्रति जागरूक कर देगा, ठीक है, तो इस विकल्प इनमें से कौन सा आप सही विकल्प चुनेंगे? तो जो सही उत्तर है इसका वो ये है, ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि संकीर्णता की दीवार से परे मानवतावादी मूल्य का उत्थान करेंगे आप,
और अपने छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करेंगे। सब क्या करेंगे आप, बच्चों में मानवतावादी मूल्य जो है वो स्थापित करने का आप प्रयास करेंगे। यानी कि ये जो संकीर्ण दीवारें हैं, जो भी संकीर्णता है, ये छोटी चीजें, जातिवादी विचारधारा को यदि वो कोई भी बच्चा सोच के चलता है या कोई समाज के कोई भी लोग सोच के चलते हैं, तो उन्हें बताना है कि ये सारी चीजें बहुत ही संकीर्ण है, हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना है। ये एक तरह से हमारे दिमाग का एक छोटा सा दायरा है जिसके अंदर हम बंधे हुए हैं, जो एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, आपने इस चीज को समझाना है, बच्चों के अंदर मानवतावादी मूल्य जो है उन्हें भरना है और उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक रूप से सोचने समझने की शक्ति को विकसित करना है। ठीक है, तो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। आप केवल अपनी नौकरी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप अपनी नौकरी के बचाव के मैं ही नहीं लगे रहेंगे, बल्कि आप एक शिक्षक है तो आपको बहुत सारे लोगों को सही मार्ग दिखाने का कार्य करना है, एक शिक्षक की भूमिका जब भी आप निभाएंगे। तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में आप ये नहीं सोच सकते कि बच्चे जो है वो गलत रास्ते पर चले जाए। आप भविष्य का निर्माण कर रहे हैं एक शिक्षक होने के नाते, हमारे भावी नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भावी नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो भावी नागरिक कल के दिन सत्ता संभालेंगे, कल के दिन अच्छे पदों पर आसीन होंगे, तो आपने उनके अंदर ऐसे मूल्य स्थापित करने हैं जिससे कि वो समाज में बेहतर व्यवस्था को कायम कर सके। ठीक है, इसलिए आपको पहला विकल्प जो है वो अपनाना है। ठीक है, और तीसरा विकल्प क्या कह रहा था, इस तरह के रवैये के खिलाफ विद्रोह करना, क्योंकि यह भारतीय समाज के मानदंडों के खिलाफ है, आप विद्रोह भी नहीं करेंगे वहां पर। ठीक है, आपका कार्य शिक्षण करने का है तो आप अपने शिक्षण के माध्यम से ही बच्चों के अंदर मानवीय मूल्यों का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, तो ये विकल्प जो है वो नहीं होगा, ये विकल्प भी होगा। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं, 15वां प्रश्न है आपके सामने। एक प्रभावी शिक्षक से अपेक्षा की जाती है, कुछ उम्मीद की जाती है, क्या उम्मीद की जाती है? छात्रों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित करें, छात्रों के चिंता स्तर को मध्यम स्तर तक कम करें, या छात्रों को यह महसूस करना कि शिक्षा उनकी आवश्यकता है, ऊपर के सभी। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। पूछा गया है, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू क्या करेगा, एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक इनिशिएटिव, छात्र जो है उसको प्रोत्साहित करेगा कि वो अपने आप से पहल करे, रिड्यूस द एंजाइटी लेवल टू द स्टूडेंट टू मॉडरेट लेवल, उसके मस्तिष्क में जो भी उसका एंजाइटी घबराहट है, जो तनाव है, उसको मध्यम स्तर तक ले आए, टू मेक स्टूडेंट फील दैट एजुकेशन इज देयर नीड, बच्चों को एहसास कराना कि शिक्षा उनकी आवश्यकता है, या ऊपर के सभी। सभी बच्चों ने उम्मीद है उत्तर दे दिया होगा। देखिए, सारे ही विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हम डी विकल्प पर चलेंगे। ठीक है, यानी कि छात्रों को पहल के लिए प्रोत्साहित करना, उनको खुद से वो पहल करें पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, आपको इस चीज के लिए भी उनको तैयार करना है, उनके तनाव के स्तर, उनकी घबराहट, उनके एक तरह से उनकी जो मानसिक स्थिति में जिस तरीके की वो तनावपूर्ण सोच रखते हैं, आपने उनको कम करना है। और साथ ही आपने उनको ये भी बताना है कि देखिए, पढ़ाई जो है वो वर्तमान समय में आप सभी की आवश्यकता है, पढ़ाई करने से आपका जो भी हित है आप उनको समझाएंगे, आपका बौद्धिक विकास होता है, आपका मानवीय मूल्यों का आपके अंदर विकास होता है, आपका नैतिक विकास होता है, और आप एक बेहतर नागरिक बनते हैं, आप जीवन में सक्षम बन सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे कथनों के माध्यम से अपने छात्रों को बता सकते हैं कि शिक्षा जो है वो उनकी आवश्यकता है। तो इसलिए डी विकल्प जो है वो बिल्कुल ही सही विकल्प है इस प्रश्न के संदर्भ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताएं उनके दृष्टिकोणों को प्रभावित करेगी, अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताएं उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी, शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता, सीखने वाले में माता पिता की रुचि, या सीखने वाले का पूर्व ज्ञान, संबंधित क्षेत्र में सीखने वाले का कौशल, या सीखने वाले का पारिवारिक आकार, या परिवार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जिसमें शिक्षार्थी है। जल्दी से उत्तर दीजिए। आपको कोड साइड में दिए गए हैं, आपने इन कोड को देख करके अपने प्रश्न का उत्तर देना है और तभी चयन करना है पहला, दूसरा या तीसरा विकल्प, कौन सा आप सही बताएंगे। जल्दी से दीजिए प्रश्न का उत्तर। परेशान नहीं होना है, थकना नहीं है, और फटाफट से उत्तर देते रहना है, निरंतर अभ्यास करना है, इस चीज का लाभ उठाइए। ठीक है,
अगला प्रश्न आप इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। कौन सी विशेषता? एक तो शिक्षार्थियों की प्रतिबद्धता, ठीक है, दूसरा सीखने वाले का पूर्व ज्ञान और संबंधित क्षेत्र में सीखने वाले का कौशल। ये तीन विकल्प है। लर्नर कमिटमेंट की वो कितना प्रतिबद्ध हो के कोई नई चीज को सीखना चाहता है। अगला, सीखने वाले का पूर्व ज्ञान, उसका पृष्ठभूमि क्या है। यहाँ पर भी पृष्ठभूमि की बात की गई है, इसलिए पृष्ठभूमि जो है, जब भी आप शिक्षक के तौर पर अधिगम प्रारंभ करें तो आपको शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि को जानना बहुत आवश्यक है। अगला है संबंधित क्षेत्र में सीखने वाले का कौशल, ठीक है, कि जो भी बच्चे को आप जो भी सिखा रहे हैं उस क्षेत्र में बच्चे को कितनी निपुणता हासिल है, यह आपने उसको ध्यान में रखना है। तो इसलिए पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है 16वें प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की सूची से उसका चयन करें जो शिक्षक की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं का संकेत देते हैं। यहाँ पर बात की गई है जो शिक्षक की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं का संकेत देते हैं। शिक्षण से तात्पर्य संचार से है, शिक्षक शिक्षण समान सामान बेचने जैसा है, शिक्षण का अर्थ है प्रबंधन और निगरानी, शिक्षण का अर्थ है दूसरों को प्रभावित करना, शिक्षण में दूसरों को समझाने की आवश्यकता होती है, या बिना आधारभूत संरचना के समर्थन के कोई शिक्षण नहीं हो सकता। आपको समय दिया जा रहा है, प्रश्न लंबा है, ध्यान से पढ़िए और कोड में से आपने आंसर का चयन करना है। कोड आपको ये नीले रंग के बॉक्स में जो है वो दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए, गलती की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही है, ठीक है, गलती नहीं कीजिए, ध्यान से पढ़ के उत्तर दीजिए। तो आप सभी ने उम्मीद है उत्तर दे दिया होगा। इसका प्रश्न का सही जवाब है आपका पहला विकल्प। पहला विकल्प कह रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। पूछा गया था शिक्षण की विशेषता और बुनियादी आवश्यकताएं कौन सी हैं, कौन सी चीजें जो है वो शिक्षण की आवश्यकता या शिक्षण की विशेषता और बुनियादी आवश्यकताओं को सूचित कर रही है, संकेत दे रही है। तो शिक्षण से तात्पर्य संचार से है, ठीक है, शिक्षण में जब भी आप शिक्षण की प्रक्रिया को करते हैं तो आपका संप्रेषण यानी कि आपका संचार का जो कौशल है वो बेहतर होना चाहिए। शिक्षण का अर्थ प्रबंधन और निगरानी से है, आप प्रबंध किसका करते हैं, एक शिक्षण कार्य जब भी आप करते हैं तो आप एक कक्षा में विद्यार्थियों को अच्छी तरह से उनका प्रबंध करते हैं, ठीक है, आप उनकी निगरानी करते हैं एज एक निरीक्षक के तौर पर। और चौथा विकल्प है शिक्षण का अर्थ दूसरों को प्रभावित करना है, एक शिक्षक के तौर पर आप छात्रों को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए पहला, तीसरा और चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है 17वें प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन ए कहता है शिक्षक संचार कक्षा प्रबंध के लिए केंद्रीय है। शिक्षक का संचार यानी शिक्षक का जो संप्रेषण होता है वो कक्षा के प्रबंध यानी आपका जो मैनेजमेंट होता है कक्षा के प्रबंध के लिए केंद्रीय है। कारण आर बोल रहा है कि छात्रों के कक्षा व्यवहार को विनियमित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है? छात्रों का कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक का जो संप्रेषण व्यवहार है, जो भी वो अभिव्यक्त कर रहा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। विकल्प आपके सामने दिए हैं, एक गलत है लेकिन आर सही है, दोनों ए और आर सत्य है, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। जल्दी से उत्तर दीजिए, स्पष्ट है एकदम से, आप पढ़ेंगे तुरंत ही स्पष्ट हो जाएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। देखिए इतने सारे प्रश्नों को आपके सामने हल करवा दिया है और इसके बावजूद भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये आपकी असफलता के साथ साथ मेरी भी असफलता यहाँ पर सिद्ध हो जाएगी इससे, ठीक है, क्योंकि इतना अभ्यास मैंने आपको करा दिया है, इतने व्याख्यान दे दिए हैं, इतना अभ्यास करा दिया है और अब मैं नहीं उम्मीद कर रही हूँ कि आप कोई भी किसी भी किस्म की गलती करें, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं, आपसे एक बेहतर लगाव है और उम्मीद मैं यही करूंगी
कि आप बहुत अच्छा करें, आप बिल्कुल भी गलती यहाँ पर ना करें किसी भी किस्म की। और आपको इतने सारे प्रश्न मैंने तैयार करवा दिए हैं और आगे भी मैं इस तरह के प्रश्नों को आपको तैयार करा दूंगी। इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपका बेहतर तैयारी हो जाए, जिसके माध्यम से कोई भी कमी, अगर इन विषय से संबंधित जो भी मैं लेती हूँ, इन विषय से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है तो आप महारत हासिल कर लें। ठीक है, आपको याद आए पेपर देते समय कि ज्योति मैम ने हाँ वहां पर हमें इतनी अच्छी तैयारी करवा दी थी कि आज तो हमारा कुछ भी चीज गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न की जो व्याख्या है मैं यहाँ पर दे देती हूँ। अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षक संचार कक्षा प्रबंध के लिए केंद्रीय है। शिक्षक का जो संप्रेषण है, जो भी वो विद्यार्थियों को कहना चाहता है, ठीक है, तो कक्षा का प्रबंध, वो अच्छी संचार व्यवस्था होगी, अच्छा संप्रेषण का कौशल होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो कक्षा का प्रबंध जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। अगला कथन आपका कारण आर क्या कह रहा है, छात्रों के कक्षा व्यवहार को विनियमित करने के लिए, यानी कि छात्रों के कक्षा व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए, शिक्षक अगर बेहतर तरीके से अपना संचार, अपने अभिव्यक्ति कर सकता है, अच्छा संप्रेषण कर सकता है, तो उसके माध्यम से आप छात्रों के कक्षा व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, उनको सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षक का तो कार्य ही यही होता है कि अपने शिक्षार्थियों को एक सही दिशा देना, उनको सही मार्ग दिखाना, सही दिशा देना। तो कहीं ना कहीं जो ए कथन है वो सत्य है, लेकिन आर कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। आप क्यों नहीं कर सकते? शिक्षक हमेशा शिक्षार्थियों के लिए उपस्थित है, तो आप उसके संचार कौशल है, उसका संप्रेषण कौशल है, जो भी उसके पास है उसका जो भी है वो सब कुछ कह सकते हैं कि उसका उत्तराधिकारी कौन है, उसका उत्तराधिकारी शिक्षार्थी है, क्योंकि कल का भविष्य है। शिक्षक ने जो कुछ भी अपना आप ग्रहण किया है उसको वो बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने विद्यार्थियों को उसे सौंप देना चाहिए। ठीक है, इसी में शिक्षक का भी हित निहित है, इसी में शिक्षार्थी का भी हित निहित है, और कल के दिन वो शिक्षार्थी भी आगे जाकर के भावी शिक्षक बनेंगे, उनका भी फिर यही कर्तव्य हो जाता है कि वो आने वाले समय में इसी तरीके का रवैया जो है वो रखें। तो मैं यहाँ पर एक संदेश आपको देना चाहती हूँ कि आप भी इसी रवैये को रख करके चलिए। तो चौथा विकल्प जो है स्क्रीन पर आपके आ गया है, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, 19वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूजीसी के प्रमुख कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है? संस्थाओं को मान्यता देना, गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव करना, कुलपति की नियुक्ति, संस्थानों को अनुदान देता है, शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार बनाना। ए आपको कूट दिए गए हैं, ब्लू ये नीले रंग से आपको कूट दिए गए हैं, सही विकल्प का आपने चयन करना है। और बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं आज, लाइक नहीं किया है वीडियो को, ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इतनी देर से हम साथ में बने हुए हैं, सभी बच्चों ने एक लाइक का बटन दबाना है, थोड़ा सा समय ले लीजिए, सबने लाइक कर देना। और मुझे पता है सारे बच्चे अपने आप से लाइक करते हैं और लाइक करके ही कक्षा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी लाइक कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो बच्चे लाइक करिए। रेफरल कोड मेरा आप सभी ने याद रखना है, ठीक है, रेफरल कोड क्या है, लाइव जेजे मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को सभी ने याद रखना है, जब भी आप इस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा ही रेफरल कोड जो है वो इस्तेमाल करें। और ये ना सोचें कि ज्योति मैम का रेफरल कोड लगा लेंगे तो और टीचर्स की क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी, हम औरों की क्लास नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी का भी रेफरल कोड लगाइए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरा रेफरल कोड लगाइए, ठीक है। तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, हर टीचर का आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, सारे आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, एनकी यूजीसी नेट का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सारे कंटेंट आपके लिए ओपन हो जाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन हो जाते हैं, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको शामिल हो जाती है। तो इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर दे दीजिए। यूजीसी मुख्य कार्य आपने बताने हैं, कौन से कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जल्दी से उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने इसका उत्तर ला रही हूँ। तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न का। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, तीसरा विकल्प कह रहा है पहला, दूसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नाम ही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या करता है, ग्रांट देने का काम करता है, संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है, गुणवत्ता और मानकों का रखरखाव करता है और संस्थाओं को अनुदान देता है, ग्रांट देता है, ठीक है। तो ये तीनों ही काम जो है ये इसके काम है,
तो संस्थाओं को मान्यता देना, गुणवत्ता और मानकों का रख रखाव करना, संस्थानों को अनुदान देना, ये तीनों ही जो कथन है वो बिल्कुल सही है, मुख्य कर्तव्यों की श्रेणी में आते हैं। इसमें तीसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 प्रश्न पर हम आ गए हैं, 20 प्रश्न हमने हल कर लिया है, बहुत ज्यादा काम कर लिया आज आपने। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज योजना का मुख्य उद्देश्य था, यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज योजना का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय की कमी का पता लगाना, संकाय के शिक्षण कौशल का को उन्नयन करना, या कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय के लिए अनुसंधान बुनियादी ढांचे का उन्नयन, या शिक्षाविदों को मजबूत करना, या उद्योग संबंध। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए, ए बी सी या डी, आपने जल्दी से उत्तर देना है इस प्रश्न का। यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज योजना का मुख्य उद्देश्य है, अंग्रेजी वाले बच्चे भी प्रश्न को पढ़िए और जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए रिवीजन हो रहा है, इतने सारे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए, जल्दी जल्दी उत्तर दे डालिए। तो इस प्रश्न का आप सभी ने उम्मीद है उत्तर दे दिया होगा, सही उत्तर देख लीजिए। यूजीसी की फैकल्टी रिचार्ज योजना का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय की कमी का पता लगाना, कि उच्च शिक्षण संस्थाएं में उच्च शिक्षण संस्थानों में यदि कोई शॉर्टेज है स्टाफ फैकल्टी की, ठीक है, तो उसका पता लगाना और उसके लिए पता लगा करके उसका प्रबंध जो है वो करना। ठीक है, ये आपने 20 प्रश्न यहाँ पर हल कर लिया, तो बहुत अच्छा आपने काम किया है, आप लोगों के लिए बहुत सारी तालियां। ठीक है, 20 प्रश्न आपने कर लिए हैं, यानी कि 20 प्रश्न आपके रिवाइज हो गए हैं, पुनरावृत्ति हो गई है 20 प्रश्नों की, और अगर सभी के सही थे 20 के 20 प्रश्न, या एक दो चलो गलत भी हो गए तो चलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहीं से शाबाशी सबको दे रही हूँ, बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया है, 20 प्रश्न कर लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्राम भी हो गया आपका, 20 प्रश्न करके थोड़ा सा आराम आपको मिल गया है, अब अगली पारी हम शुरू करते हैं। ठीक है, 21वें प्रश्न से अब हम शुरू करते हैं। बोर नहीं होना है, निरंतर देखते रहना है, बोर नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो उस समय अगर आप बोर हो गए तो काम नहीं चलेगा। बोर नहीं होना है, ऊबना नहीं है, निरंतर अभ्यास करना है। ठीक है, निरंतर और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, ये आप याद रखिए। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी शैक्षणिक पुरस्कारों जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि का ऑनलाइन स्टोर हाउस है, स्वयं या राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, या राष्ट्रीय शैक्षिक पुस्तकालय, या राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। जल्दी से उत्तर दीजिए, प्रश्न अपने आप में ही एक व्याख्या है, तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए, जब अब आपको इसका उत्तर पता चलेगा तो आपको उत्तर के साथ ही जानकारी हो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ प्रश्न अपने आप में ही एक व्याख्या है। पूछा गया है कौन सा सभी शैक्षणिक पुरस्कारों जैसे प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट होते हैं आपके, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि का ऑनलाइन स्टोर हाउस है। ठीक है, आपको ऑनलाइन वहां पर ये चीजें उपलब्ध होती हैं, ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए। तो उम्मीद है आप सभी ने उत्तर दे दिया है। ठीक है, सभी बच्चे उत्तर दे दिए हैं और कुछ दे भी रहे हैं, तो जिन्होंने दे दिया है या दे रहे हैं वो इस प्रश्न का उत्तर जान लीजिए। जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ठीक है, अब ये क्या काम करती है इसकी व्याख्या मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत की है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। द विजन ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD इज बॉर्न आउट ऑफ एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी is a 24/7 online storehouse of all academic award like certificate, diploma, degree, mark sheet, etc. क्या करता है ये, आपको शैक्षिक पुरस्कार जो है वो शैक्षिक पुरस्कार प्रदान करने का एक online storehouse प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें national academic depository सभी शैक्षणिक पुरस्कारों अर्थात diploma, degree, mark sheet आदि का 24/7 online storehouse है। तो ये प्रश्न के माध्यम से आपको एक जानकारी यहाँ पर मिली, ये आपने याद रखना है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी।
क्या है ये, आपकी एक तरह से एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है जो आपको एकेडमिक अवार्ड देता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ऑनलाइन स्टोर हाउस है जो आपको एकेडमिक अवार्ड देता है। एकेडमिक स्टोर अवार्ड में क्या आ गया, आपके सर्टिफिकेट आ गए, आपके डिप्लोमा आ गए, आपकी डिग्री आ गई, आपकी मार्कशीट आ गई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 22वें प्रश्न पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों का के उत्सर्जन की कमी, ओजोन क्षयकारी पदार्थों को बाहर निकालना, खतरनाक कचरे के परागमन आंदोलन को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। जल्दी से उत्तर दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है क्या, उद्देश्य है ए बी सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। सही जवाब है आपका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि क्या करता है, फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जितने भी आपको एक ओजोन के जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी पदार्थ ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य जो है ये करता है। अब जान लीजिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या है, ये एक तरह से एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिजाइन की गई है प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरियस सब्सटेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डुप्लीकेशन। इट वॉज एग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987, याद रखिए इस तारीख को। ठीक है, इस तारीख को सभी ने याद रखना है। It was agreed 16 September 1987 and entered into force, apply की गई यानी implement की गई 1st January 1989. As a result of the international agreement, the ozone hole in Antarctica is slowly recovering. इसी के प्रयासों के फलस्वरूप जो Antarctica में जो एक hole हो गया था ozone layer में, वो अब भर रहा है। ठीक है, वो recover हो रहा है। हिंदी माध्यम के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार कई कारक कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध करने के करके ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय समझौते के परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, 23वां प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान से इस प्रश्न की व्याख्या सुन लेनी है, तारीखें आपने नोट कर लेनी है, हो सके तो एक स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 23वां प्रश्न पर हम चलते हैं। चलिए, प्रश्न है, पूर्व भारत के बड़े हिस्से में भूजल दूषित है, कारण क्या है उस भूजल के दूषित होने का? कारण आपको नीचे दिए गए हैं, आर्सेनिक, लेड, मरकरी या निकल। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, फटाफट से उत्तर दे दीजिए इस प्रश्न का, ए बी सी या डी। पूर्व भारत के बड़े हिस्से में भूजल दूषित है, किस कारण से? इन लार्ज पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय, किसके कारण से? आर्सेनिक, लेड, मरकरी या निकल। तो सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं, दे भी दिया है कईयों ने। ठीक है, तो इसकी व्याख्या मैं यहां पर कर लेती हूँ, बातचीत आज हम नहीं करेंगे। ठीक है, बातचीत आज हम नहीं करेंगे, तो आप लोग जितने भी कमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ आज आप उत्तर दीजिए, परेशान ना हो कि मैम जवाब नहीं दे रही है। ठीक है, आज सिर्फ आप उत्तर दीजिए, आज सिर्फ आपने फोकस करना है। तो इसका सही जवाब है आर्सेनिक जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तो पूर्व भारत में बड़े हिस्से में भूजल दूषित है आर्सेनिक के कारण। ठीक है, तो इसकी इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, इसको आप इस प्रश्न को एक तथ्यात्मक प्रश्न है, इसको आप दिमाग में जो है वो बिठा लीजिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, 24वां प्रश्न आप कर रहे हैं, ताजमहल को मुख्य रूप से किसके घातक परिणामों से खतरा है? ताजमहल को मुख्य रूप से किसके घातक परिणामों से घातक प्रभावों से खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। ताजमहल इज मेनली थ्रेटन्ड बाय द डिलीट्रियस इफेक्ट ऑफ, किससे खतरा है ताजमहल को, कौन से रासायनिक पदार्थ से खतरा है? ए बी सी या डी, जल्दी से उत्तर दीजिए। लाइक नहीं किया है जिन भी बच्चों ने, सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं,
सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जल्दी से उत्तर भी दे दीजिए। जितनों ने भी नहीं ज्वाइन किया है लाइक कीजिए, मेरा रेफरल कोड सबने याद रखना है, लाइव जेजे मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट आपको इसके माध्यम से मिलेगा और इसी रेफरल कोड को आप इस्तेमाल कीजिए जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। तो जल्दी से उत्तर दे दीजिए। प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। ताजमहल को मुख्य रूप से जो खतरा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के घातक जो घातक प्रभाव है उसके माध्यम से, जो वर्तमान समय में इतना सुंदर सफेद पत्थर था वो अब हल्का हल्का पीला होने लगा है, ठीक है। तो ये उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अच्छा, प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, टू स्टेटमेंट आर गिवन। स्टेटमेंट वन कह रही है कि अर्थक्वेक ए इज 5 ऑन रिक्टर स्केल एंड अर्थक्वेक बी इज 8 ऑन द सेम स्केल। एक ही स्केल पर जो अर्थक्वेक ए है उसको 5 आंकलन किया गया है और जो बी अर्थक्वेक है उसका आंक जो 8 जो है वो आंकलन किया गया है। अर्थक्वेक बी हैज 100,000 टाइम द वेव एम्पलीट्यूड कंपेयर टू ए। स्टेटमेंट टू, द एनर्जी रिलीज इन बी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ए। हिंदी के लिए कथन एक, भूकंप ए रिक्टर पैमाने पर 5 है और भूकंप बी समान पैमाने पर 8 है। भूकंप बी में ए की तुलना में तरंग का आयाम 1000 गुना है। कथन दो कह रहा है बी में जारी ऊर्जा ए से 3 गुना है। सही विकल्प का आपने चयन करना है ए बी सी या डी। जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट से। पच्चीसवें प्रश्न पर आप आ गए हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला विकल्प यानी कि भूकंप ए रिक्टर पैमाने पर 5 है और भूकंप बी समान पैमाने पर 8 है। भूकंप बी में ए की तुलना में तरंग आयाम 1000 गुना है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। जो दूसरा कथन है वो सही नहीं है। बी में जारी ऊर्जा ए से 3 गुना है, ये जो है ये कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है और ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाती है। उस योजना का नाम बताइए जो भारतीय संस्थान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाती है। ICSSR ICSSR Impress या 2 STA Development Scheme या SPARC या 4th है Institutional Development Scheme। जल्दी से उत्तर दीजिए। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपकी स्क्रीन पर SPARC। ये बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ठीक है। SPARC यानी कि जो योजना है जो भारतीय संस्थान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के बीच शैक्षिक और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए जो बनाई गई है वो है SPARC, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि जो वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, वीडियो नहीं है वो बताना है। AWMOV, MP4 या JPEG। जल्दी से उत्तर दीजिए। ए बी सी या डी में से आपने एक विकल्प का चयन करना है। जल्दी से उत्तर दीजिए, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है।
फटाफट से उत्तर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जेपीईजी, बिल्कुल सही है। बाकी जो है वो वीडियो फाइल है आपकी, जेपीईजी जो है आप इसमें इमेज जो है, जो इमेज से संबंधित है वो है, ठीक है। जेपीईजी जो है वो वीडियो फाइल नहीं है, अन्य सभी वीडियो फाइल है, इसलिए जो जेपीईजी है वो बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? सीनेट, कार्यकारी परिषद, विद्यार्थी परिषद या शैक्षणिक परिषद? पूछा गया है विश्वविद्यालय के, किसी भी विश्वविद्यालय के रोजमर्रा के काम का प्रशासन यानी मैनेजमेंट का काम, और भी अन्य जितने भी कार्य होते हैं, कार्यालयी कार्य जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा निकाय जो है वो जिम्मेदार है, कौन सा निकाय इस तरीके के कार्य करता है? सीनेट, कार्यकारी परिषद, विद्यार्थी परिषद या शैक्षणिक परिषद? जल्दी से उत्तर दीजिए। सभी ने जवाब दे दिया है, व्याख्या इसकी कुछ इतनी आवश्यक नहीं है, ठीक है। जो कार्यकारी परिषद है, नाम से ही स्पष्ट हो रही है, कार्यकारी परिषद जो है वो किसी भी विश्वविद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को करती है, ठीक है। इसलिए उन प्रशासनिक कार्यों को करने की जिम्मेदार जो है वो कार्यकारी परिषद की होती है आपकी, ठीक है। सीनेट, विद्यार्थी परिषद, शैक्षणिक परिषद जो है ये इस तरीके के कार्य नहीं करती है, ठीक है। तो कार्यकारी परिषद जो है वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। 29th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के बीच विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता कम से कम है? इनमें से कौन सा ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो कि जिसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन की जो दक्षता है वो बहुत कम है अन्यों की तुलना में, ठीक है, अन्यों की तुलना में कम है? सौर या हवा या जियोथर्मल या परमाणु? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का स्रोत के बीच विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता कम से कम है, अन्य की तुलना में जो कम जो है वो ऊर्जा का उत्पादन कर पाता है? तो सभी ने उत्तर दे दिया है। सौर ऊर्जा के माध्यम से आपको एक अच्छी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। पवन ऊर्जा भी आप सामान्यतः इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु ऊर्जा का तो कहना ही क्या, ठीक है। जो जियो थर्मल यानी कि जो धरती के अंदर से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है उसके माध्यम से आप विद्युत ऊर्जा के उत्पादन जो है इतना नहीं कर सकते जितना आप सौर, हवा या परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जियो थर्मल यानी जो धरती के अंदर से आपको जो ऊर्जा उपलब्ध होती है, ठीक है। तो अगले इसका उत्तर आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ठीक है। सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन उच्च शिक्षा में एक गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा में एक गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम है? स्वयं, आमने सामने शिक्षण अधिगम, अनुशिक्षण कक्षा जिनको आप ट्यूटोरियल क्लासेस कहते हैं, या सेमिनार? गैर पारंपरिक और पारंपरिक आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष तरह से हम बैठ के आपस में शिक्षण करते हैं। और आपको यहाँ पे पूछा गया है गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम कौन सा है? स्वयं, आमने सामने शिक्षण अधिगम या अनुशिक्षण या ट्यूटोरियल क्लासेस या सेमिनार? जल्दी से बताइए, ए बी सी या डी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है स्वयं योजना। सुना है आपने स्वयं योजना, आपको पढ़ाया भी था मैंने शिक्षण अभिशमता में। स्वयं योजना ऑनलाइन लर्निंग होती है इसके माध्यम से, ठीक है। तो स्वयं जो है वो एक गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम है, अन्य जो है आमने सामने बैठ के शिक्षण अधिगम, ये एक तरह से आपका पारंपरिक है। और आप ट्यूटोरियल में भी पारंपरिक तरीके से ही पढ़ते हैं, सेमिनार में भी आप पारंपरिक तरीके से अधिगम करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वयं है इसमें आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, जैसे अभी हम बैठे हुए आमने सामने, ठीक है, इस तरह से आपकी ऑनलाइन लर्निंग इसमें हो जाती है, इसलिए इसे गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, 31वें प्रश्न, 30 प्रश्न आपने हल कर लिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? समय की पाबंदी और ईमानदारी, सामग्री में महारत,
या सामग्री में महारत और प्रतिक्रियाशीलता या सामग्री में महारत और मिलनसार। जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सा एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। विकल्पों को ध्यान से देखिए और जो ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा व्यापक है, जो ज्यादा विस्तृत होकर के अपनी बात को कह रहा है जो विकल्प, उसका आपने चयन करना है। तो आधे बच्चों ने उत्तर दे दिए हैं, आधे बच्चे दे रहे हैं, मैं यहाँ पे व्याख्या आपको प्रस्तुत कर देती हूँ। सही उत्तर देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, सी विकल्प, सामग्री में महारत और प्रतिक्रियाशीलता। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? सामग्री में यदि उसे महारत होगी, प्रतिक्रिया देगा यानी कि बच्चे जो भी उससे पूछेंगे या जो भी बच्चों की समस्या होगी उनकी अच्छी उन्हें प्रतिक्रिया मिलेगी, बच्चों को अच्छा फीडबैक उससे मिलेगा, वो शिक्षार्थियों को संतुष्ट कर देगा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक बेहतर जो है वो शिक्षक का जो है वो गुण है। इसलिए हम सी विकल्प पे जाएंगे, समय की पाबंदी और ईमानदारी ये एक मानवीय गुण है, ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और सामग्री में महारत ये बिल्कुल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये इसकी तुलना में जो है वो संकीर्ण है, क्योंकि इसमें एक ही बात की गई है सामग्री में महारत की, जबकि सी विकल्प में सामग्री में महारत भी बोला गया है और प्रतिक्रियाशील भी बोला गया है, लेकिन डी विकल्प जो है वो मिलनसार के गुण कहता है, जबकि सी विकल्प में आपको मिलनसार की जगह प्रतिक्रियाशीलता मिलती है। मिलनसार से आप क्या करेंगे, उनको शिक्षक को शिक्षार्थियों के साथ डील करना है तो उसको अपनी शिक्षक जो भी आपने विषय से संबंधित उसको महारत होनी चाहिए, ठीक है, और प्रतिक्रियाशील होना चाहिए, बच्चों के साथ उसको अच्छे तरीके से डील करना आना चाहिए, ये जो उसका है उसका एक अच्छा गुण है, ठीक है। इसलिए हम सी विकल्प पर इस पे सहमत होंगे, तो सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला 32 क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा लंबा ही प्रश्न है तो उसको आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ। अब कईयों को दिखाई नहीं देगा ये प्रश्न क्योंकि थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया की सूची से जिन्हें रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा, कोड से चुनकर अपने उत्तर को इंगित करें, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, जब आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं आपको व्याख्या करूंगी, ठीक है। कोड से चुनकर आपने उत्तर को इंगित करना है, आपको पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया की सूची आपने देनी है जिन्हें रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाएगा। पाठ्यक्रम के काम के बाद छात्रों को एक शिक्षक पुरस्कार या ग्रेड देता है। कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षक सुधारात्मक प्रक्रिया प्रदान करता है। शिक्षक एक इकाई परीक्षा में छात्रों को अंक देता है। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों को के संदेह को स्पष्ट करता है। प्रत्येक छात्र के हर 3 महीने के बाद के अंतराल पर माता पिता को सूचित किया गया समग्र प्रदर्शन, शिक्षार्थी की प्रेरणा, शिक्षक द्वारा प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से उठाई जाती है। जल्दी से उत्तर दीजिए, कोड ऊपर दिए गए हैं, कोड में से आपने उत्तर का चयन करना है, ठीक है, ये कोड आपको दिया गया है, इसमें से आपने उत्तर का चयन करना है। ध्यान से देखिए, अंग्रेजी के लिए बच्चे जो है उनके लिए ऊपर का प्रश्न जो है वो कट रहा होगा, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर। From the list of the evaluation procedures given below, identify those which will be called formative evaluation. Indicate your answer by choosing from the code. जल्दी से उत्तर दीजिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। तो इस प्रश्न का सभी ने लगता है जवाब दिया है, कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो सही जो उत्तर है इस प्रश्न का वो है आपका चौथा विकल्प, जो कह रहा है कि बी डी और एफ जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आपके शामिल है कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षक सुधारात्मक प्रक्रिया प्रदान करता है, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट कर देता है, या शिक्षार्थियों की प्रेरणा शिक्षक द्वारा प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से उठाई जाती है। ये जो 3 विकल्प हैं ये बिल्कुल सही हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में आप क्या करते हैं, बच्चे का समय समय पर आप मूल्यांकन कर लेते हैं विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है, तो ये है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, इसलिए इसका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, 33rd क्वेश्चन आ गया है हमारी स्क्रीन पर।
अभिकथन ए कह रहा है कि सभी शिक्षण द्वारा सीखने को सुनिश्चित करना चाहिए। कारण कह रहा है कि शिक्षण से ही सभी सीखने के परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोड आपको दिए गए हैं, कोड को आप ध्यान से देखिए, ए और आर सही हैं और आर सही विवरण है ए का। दूसरा कह रहा है कि दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही विवरण नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। जल्दी से उत्तर दीजिए। बोला क्या गया है, कथन क्या कह रहा है कि सभी शिक्षण द्वारा सीखने को सुनिश्चित करना चाहिए। कारण कह रहा है कि शिक्षण से ही सभी सीखने के परिणाम प्राप्त होते हैं। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। तो देखिए, आप लोगों ने उत्तर दे दिया है। देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है कि सभी शिक्षण द्वारा सीखने को सुनिश्चित करना चाहिए। जब भी एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है उसको ये देखना चाहिए कि बच्चे उससे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ऐसी तरीका शिक्षण करें जिससे कि बच्चे सीखने को प्रेरित हों। अगला कारण आर कह रहा है, शिक्षण से ही सभी सीखने के परिणाम प्राप्त होते हैं। हर समय ऐसा नहीं होता कि केवल शिक्षण क्रियाओं के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। कई बार वो दैनिक क्रियाओं के माध्यम से भी सीखता है, अपने अनुभव से भी बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, इसलिए जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल कारण जो है वो सही नहीं है। इसलिए हम इस बात पर कहेंगे कि ए जो है वो तो सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है? ये तीसरा विकल्प आपका कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो तीसरा विकल्प है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान या अच्छी अभिव्यक्ति। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, घुमा फिरा करके आता है, अलग अलग विकल्पों के साथ प्रश्न का प्रारूप बदल दिया जाता है। जल्दी से लगाइए। देखिए, बार बार पानी जो है मुझे पीना पड़ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो आप लोगों को बीच में लग रहा होगा मैम तो पानी पिए जा रही है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? क्या है सबसे आधारभूत आवश्यकता है? आवश्यकता के साथ पूछा गया है, आधारभूत यानी बुनियादी आवश्यकता। ठीक है, बुनियादी आवश्यकता क्या है? विषय का ज्ञान, ये आपकी बुनियादी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज में मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आवश्यकता और आधारभूत आवश्यकता में आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। आवश्यकता सभी है, शिक्षण की, अगर शिक्षक की शिक्षण में रुचि नहीं होगी तो कहीं भी वो बोझिल होकर के शिक्षण का कार्य करेगा। छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास उसको होना चाहिए कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बच्चों को। यदि वो पहले ही हार मान जाएगा, मैं पहले बच्चों को कैसे संभालूं, वो हताश हो जाएगा, हार मान के बैठ जाएगा, तो उसके लिए बच्चों को नियंत्रित करना ही एक बड़ा कार्य हो जाएगा, एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा उसके सामने। ठीक है, इसलिए ये सारी ही आवश्यकताएं हैं। अच्छी अभिव्यक्ति भी उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो आधारभूत आवश्यकता है वो है विषय का ज्ञान। ठीक है, तो सही उत्तर आप देख लीजिए, सी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। थर्मल पावर प्लांट में निर्मित फ्लाई ऐश में उपयोग के लिए एक पर्यावरणीय संसाधन है। ठीक है, आप थर्मल पावर प्लांट में जो फ्लाई ऐश, आपको जो राख प्राप्त होती है वो, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में कृषि या बंजर भूमि का विकास करने के लिए, बांध और जल धारण संरचना के लिए या ईंट उद्योग के लिए, एग्रीकल्चर एज माइक्रो न्यूट्रिएंट या वेस्ट लैंड डेवलपमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या डैम एंड वाटर होल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रिक इंडस्ट्री के लिए। तो इसमें से आपने यहाँ पर कूट आपको दिए गए हैं, कोड आपको दिए गए हैं, सही कोड का आपने चयन करना है इसमें से। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। 35वें प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे
35वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो है चौथा विकल्प, जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसमें कि कह रहा है कि ए बी सी और डी सारे ही सारे क्षेत्रों में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो आपको थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश प्राप्त होती है उसका आप सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथा जो चारों विकल्प है वो बिल्कुल सही है, इसलिए ए बी सी और डी। ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए, उत्तरों को जान लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं की कोई सुनिश्चित शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं होता? बहुत बार ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। भूकंप, भूस्खलन, तूफान या सूखा पड़ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की कोई सुनिश्चित शुरुआत, कोई निश्चित शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है? भूकंप, भूस्खलन, तूफान या सूखा पड़ना, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए बी सी या डी? तो बिल्कुल अधिकांश बच्चे उम्मीद है इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो सही जो उत्तर है वो है इसका सूखा पड़ना, यानी कि डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, सूखा पड़ना बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 37th क्वेश्चन, जो है वो कह रहा है कि अभिकथन यानी जोर कह रहा है कि इंडोर वायु प्रदूषण गंभीर खतरा है, जो घर के अंदर घरेलू क्रियाओं से आपका जो वायु प्रदूषण होता है, आप तड़का लगाते हैं घर में, ठीक है, और आप डस्टिंग करते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं उससे धूल उड़ती है, और अन्य प्रकार के जो घरेलू क्रियाएं होती है उसके माध्यम से जो धूल होती है, ठीक है। इंडोर वायु प्रदूषण गंभीर खतरा है, कारण आर कह रहा है कि वायु प्रदूषकों के फैलाव इंडोर वातावरण में ही सीमित होते हैं, यानी कि जो भी वायु प्रदूषक आपको मिलते हैं वो आपके इंडोर वातावरण, घर के अंदर के वातावरण में ही आपको मिलते हैं। आपको नीचे कोड दिया गया है, विकल्प है ए कह रहा है कि दोनों ए और आर सही है, आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी कह रहा है कि दोनों ए और आर सही है लेकिन आर सही विवरण नहीं है ए का। सी कह रहा है कि ए सत्य है और आर जो है वो गलत है। डी कह रहा है दोनों ए और आर जो है वो झूठे हैं। जल्दी से उत्तर दीजिए। इंडोर वायु प्रदूषण गंभीर खतरा है, कारण कह रहा है कि वायु प्रदूषकों का फैलाव केवल इंडोर वातावरण में ही सीमित होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? इंडोर वायु प्रदूषण गंभीर खतरा है, घर के अंदर जो भी वायु प्रदूषण होता है वो बहुत ही गंभीर खतरा है, क्योंकि अक्सर उससे ही बहुत तरीके की आपकी सांस लेने वाली संबंधित बीमारियां होती है, ठीक है, आपकी सांस से संबंधित अस्थमा, और भी घरेलू चूल्हा चौका जो ग्रामीण इलाकों में चूल्हे में कार्य करते हैं, लकड़ी का चूल्हा या वो गोबर का जो क्या कहते हैं उसको, गोबर जो सुखा करके उपले बनाए जाते हैं उसको जला करके वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उससे जो आपकी जो अंदर घरेलू जो घर के अंदर जो काला धुआं इकट्ठा होता है, और यहाँ पर भी आप तड़का लगाते हैं जो उससे जो एक तरह से चिकना जो आपकी जो चिकनाहट भरी जो तड़के की जो स्मेल होती है वो जो घर के अंदर फैलती है, ठीक है, और भी क्रियाएं आप करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो ये जो इंडोर वायु प्रदूषक है ये गंभीर खतरा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला कारण क्या कह रहा है? वायु प्रदूषकों का फैलाव इंडोर वातावरण में ही सीमित रहता है। देखिए, वायु प्रदूषण आपको बाहर पर्यावरण में भी उपस्थित मिलता है, घर के अंदर ही आपको नहीं मिलता, वायु प्रदूषण आपके बाहर भी मिलता है, लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि सब कुछ बंद है, तो उसकी वजह से आपके प्रदूषण में भी कमी आई, ठीक है, वायु प्रदूषण में भी आपकी कमी आई है, तो इसलिए जो ए विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो ये कौन सा कथन कह रहा है? ए सत्य है और आर गलत है, कह रहा है तीसरा विकल्प आपका। तो इसलिए जो देखिए यहाँ पर ये पहला कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का, ये गलत है, ठीक है, तो इसके लिए इस पर आप ना जाएं, आपको यही कथन आपने ध्यान में रखना है कि ए जो है वो सत्य है और आर जो है वो गलत है, ठीक है, तो इसमें ये गलत है आपका, इसको हम काट देते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। कक्षा में संदेश स्वागत की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, कक्षा में संदेश स्वागत की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, छात्रों की अज्ञानता को उजागर करना, सूचना भार बढ़ाना, उच्च डेसिमल ऑडियो टूल्स का उपयोग करना या दृष्टिकोण स्थापित करना। कक्षा में संदेश स्वागत की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इन अ क्लासरूम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन
कैन बी एनहांस्ड बाय, किस तरह से आप बढ़ाएंगे कि बच्चे जो हैं वहां पर अपने संदेशों को, अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाए, कैसे आप कर पाए। उत्तर दीजिए जल्दी से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वो है चौथा विकल्प, यानी जब आप बच्चों का दृष्टिकोण जो है वो विकसित कर देंगे, उनका एक नजरिया विकसित कर देंगे, तो उसके जब नजरिया उनका विकसित हो जाएगा तो कक्षा में संदेश स्वागत की संभावना जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, बच्चों का जब किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर आप उनका दृष्टिकोण बना देंगे, आपने एक विषय बच्चों के सामने अच्छी तरह से स्थापित कर दिया, आप बच्चों को जातिवाद के बारे में पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में एक ऐसा पाठ आपका आया जिसमें आपको बच्चों को जातिवाद के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, आपने उस जातिवाद से संबंधित अवधारणा बच्चों के सामने इतनी वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत की कि अब बच्चों का एक दृष्टिकोण बन गया है, अब समाज में कहीं पर भी या कक्षा में कोई भी उनसे जातीय आधार पर बहस कर ले, उनका एक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, तो वो उनके उनके ही माध्यम से अलग अलग तरीके के संदेश जो है आपके तक पहुंचेंगे, उनके पास तर्क विकसित हो जाएगा अपनी बात को कहने का, इसलिए दृष्टिकोण स्थापित करना जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक शिक्षक और छात्रों के बीच संपर्क समीपस्थ का एक क्षेत्र बनाता है, एक शिक्षक और छात्र के बीच संपर्क समीपस्थ का क्षेत्र बनाता है भ्रम, विकास, विकृति या अंतर। द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, किस तरीके का वातावरण बनेगा जब एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में अच्छी अंतःक्रिया होगी, एक अच्छे संबंध होंगे, घनिष्ठ संबंध होंगे, तो किस तरह का माहौल बनेगा, भ्रमपूर्ण माहौल बनेगा, विकासात्मक माहौल बनेगा या विकृत माहौल बनेगा, या कहीं ना कहीं डिफरेंस आएंगे, अंतर आएंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका, जब शिक्षक और छात्र के बीच में एक घनिष्ठ संबंध बनेगा, एक समीपता के पर आधारित संबंध बनेगा, तो एक विकासात्मक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक बेहतर व्यवस्था वहां पर कायम आएगी। ठीक है, और उस तरह से आगे दोनों ही प्रगति करेंगे, शिक्षक भी प्रगति करेगा, छात्र भी प्रगति करेंगे, दोनों ही तरीके से, एक शिक्षक अपने शिक्षण के में प्रगति करेगा तो एक विद्यार्थी अपने ज्ञान में प्रगति करेगा। ठीक है, तो एक विकासात्मक क्षेत्र का वहां पर निर्माण करेंगे। तो अच्छा संबंध होना बहुत जरूरी है, निर्भय होकर छात्र अपनी समस्या अपने शिक्षक के सामने रख सकता है, शिक्षक अच्छी तरीके से अपने शिक्षार्थी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक बेहतर संबंध जो है वो स्थापित होना बहुत ही जरूरी है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक शिक्षक और छात्रों के बीच, ये आपने देख लिया, इसका उत्तर आपने जानना है, स्क्रीन पर आपके उत्तर आ रहा है। अगले प्रश्न पर हम चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यवहार है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यवहार है, संरचना करना, निर्देशात्मक किस्म या प्रश्न करना, छात्र के विचारों और योगदान का उपयोग करना। जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। की बिहेवियर पूछा गया है, प्रभावी शिक्षण में एक महत्वपूर्ण व्यवहार, व्यवहार अलग है और महत्वपूर्ण व्यवहार अलग है, तो जल्दी से उत्तर दीजिए। यहां पर ये निर्देशात्मक किस्म को आप ठीक कर लीजिए, ठीक है, निर्देशात्मक भिन्नता आप इसे करेंगे, निर्देशात्मक भिन्नता। निर्देशात्मक भिन्नता आप इसे करेंगे, ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण व्यवहार है, संरचना करना, निर्देशात्मक भिन्नता, प्रश्न करना या छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करना। यहां पर पूछा गया है महत्वपूर्ण व्यवहार, व्यवहार तो सभी है लेकिन महत्वपूर्ण व्यवहार कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका बी विकल्प, यानी निर्देशात्मक भिन्नता, यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी।
आपने बच्चों के हिसाब से अपने निर्देशों, अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने निर्देशों को बदलते रहना है, ठीक है। आप बच्चों के हिसाब से अपने निर्देशों का जो स्वरूप है उनको बदलते रहेंगे, इसलिए निर्देशात्मक भिन्नता जो है वो एक प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार है। तो जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी इसके साथ है, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी इसके साथ है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टीचर एडजस्टमेंट लाई विद, बच्चों के साथ, प्रधानाचार्य के साथ, स्वयं शिक्षक के साथ या समुदाय के साथ। ध्यान से सोच समझ के उत्तर दीजिए। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसके साथ है? यहाँ पर समायोजन की बात की गई है, एडजस्टमेंट की बात की गई है। जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें प्रश्न में मुझे याद आ रहा है, इसमें एक चीज मिस हुई है। विद्यालय के प्रबंध के लिए, विद्यालय के प्रबंध के लिए शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी इनमें से किसके साथ है, इसमें ठीक करिएगा, ठीक है। अंग्रेजी वाले बच्चे भी, हिंदी वाले बच्चे भी, प्रश्न इस प्रकार का है। विद्यालय के प्रबंध के लिए शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो किसके साथ है? एक प्रधानाचार्य के साथ है। वो समायोजन कैसे स्थापित कर सकते हैं? अपनी आवश्यकताओं को, कक्षा शिक्षण के दौरान उसको जिस भी किस्म की समस्या आ रही है, ठीक है, जो जो उसको जरूरतें महसूस हो रही हैं, वो उसको किसको जाकर के बताएगा? प्रधानाचार्य को बताएगा। और प्रधानाचार्य का इसमें कर्तव्य हो जाता है कि वो ये जाने कि शिक्षकों को कक्षा में शिक्षण के दौरान किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान करना और साथ में जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना। तो इसलिए बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक सफल शिक्षक वही है जो है अनुकंपा और अनुशासनात्मक, ठीक है। अगला है बी का क्वाइट यानी शांत, ठीक है, और रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियाशील। इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको आप करेंगे यहां पर, इसकी जगह आप लिखेंगे शांत। सहिष्णु और हावी, निष्क्रिय और सक्रिय, जल्दी से बताइए। अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज ए बी सी या डी। आज के इस मैराथन सेशन में 50 प्रश्नों को हम करेंगे, ठीक है, और 42 क्वेश्चन पे हम हैं, तो 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे। और ऐसे ही आपके 2-3 दिन इसी तरह से मैराथन सेशन जो है वो आते रहेंगे, तो आपने उन मैराथन सेशन में जो है वो बने रहना है, ठीक है। एक पूरी सीरीज हम करेंगे यहाँ पर मैराथन सेशन की, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी यहाँ पर हो जाए। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। सही उत्तर आपका स्क्रीन पर है, अनुकंपा यानी अनुशासन और अनुशासनात्मक होना चाहिए। एक सफल शिक्षक वही है जो कि अनुकंपा जिसके अंदर है, दया जिसके अंदर है, और अनुशासनात्मक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर है, इसमें व्याख्या की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अभिकथन ये कह रहा है कि मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। कारण आर कह रहा है क्योंकि हिंसा बाजार में बिकती है, क्योंकि लोग स्वयं चरित्र से हिंसक होते हैं। मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देती है। आपके सामने विकल्प हैं, ध्यान से देखिए। मास मीडिया प्रमोट अ कल्चर ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। देखिए, मास मीडिया, मीडिया के, मास कॉम के जितने भी बच्चे अगर हमारे बीच में है तो बुरा मान जाएंगे इस प्रश्न से, ठीक है, बुरा नहीं मानिए। यहाँ पर एक तथ्य को हम सामने ला रहे हैं और ये पूर्व वर्ष के प्रश्न का पर ही आधारित है, तो हमने प्रश्न को अभ्यास के लिए यहाँ पर लिया है। मास मीडिया हमेशा नहीं करता है, ठीक है, हमेशा नहीं करता है। मैं दोनों चीजें, दोनों पक्षों को साथ में लेकर के चल रही हूँ। मास मीडिया वाले बच्चों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
और कारण बोल रहा है क्योंकि हिंसा बाजार में बिकती है, क्योंकि लोगों का स्वयं का चरित्र हिंसक है, क्योंकि उनका स्वयं का चरित्र हिंसक है इसलिए बाजार में बिकता है और लोग उसी को देखना या उनको सुनना जो है वो पसंद करते हैं। तो देखिए आप सभी ने उत्तर दे दिया है। अभी कथन ए कह रहा है मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि लोगों का स्वयं का चरित्र हिंसक है, हर किसी का चरित्र जो है वो हिंसक नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि लोगों का, एक तरह से हम यहाँ पर ये लेकर के चल रहे हैं कि अधिकांश व्यक्तियों का चरित्र जो है वो हिंसक नहीं है, कुछ गिने चुने हिंसक हो जाते हैं, बहुत ही अल्पसंख्या से भी बिल्कुल निम्न में इस तरह के हिंसक लोग आपको मिलेंगे जिनको कि हिंसा में ही आनंद आता है, ठीक है। तो जो पहला है वो बिल्कुल सही है और दूसरा जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप कहेंगे कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है, जो सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लक्ष्मण एक नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति है। लक्ष्मण एक नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि वह धार्मिक है, वह शिक्षित है, वह अमीर है और एक तर्क वह सतर्क संगत है। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही एक सामान्य कथन दिया गया है कि लक्ष्मण एक नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति हैं। नैतिक रूप से अच्छे होने का क्या कारण हो सकता है? धार्मिक है तो नैतिक भी होगा, शिक्षित है तो क्या नैतिक भी होगा, अमीर है तो क्या नैतिक भी होगा, तर्क संगत है तो क्या नैतिक भी होगा, सोचिए। तो आप लोगों ने उत्तर दे दिया है, देखिए पहला कथन बिल्कुल गलत, नैतिक रूप से अच्छे होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। शिक्षित हैं तो आप, अगर शिक्षित हैं तो आपके ऊपर हम ये नहीं कह सकते पढ़ा है तो नैतिक भी होगा, पढ़ लिख गया और बुरा नहीं कहते ना, तो पढ़ लिख गए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप नैतिक भी हो। कई बार पढ़े लिखे लोग भी नैतिक मानकों का अनुसरण नहीं करते हैं, अनैतिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, ठीक है। अमीर है तो इन पर तो हम कह सकते हैं कि अमीर है तो नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम इनको, इसमें तो बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो हमारे ग्रुप में है वो अमीर है और हम कह रहे हैं कि नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो इस पर तो हम अधिकांश लगता है हम सभी सहमत होंगे, ठीक है। और वह तर्क संगत है इसलिए नैतिक रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि तर्क, अगर तर्क से आप युक्त होंगे तो सभी मानकों पर आप खड़े उतरेंगे, ठीक है। आप हर चीज को तर्क के आधार पर सोचेंगे, आप हर तथ्य को तर्क के आधार पर सोचेंगे। तो तर्क जब आता है तो नैतिकता कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब हम तार्किक होते हैं तो हमारे अंदर नैतिकता जो है वो होनी चाहिए। तो डी विकल्प जो है वो बहुत ही समीप है इसके, इसलिए हम इस पर जो है वो सहमत होंगे। तो डी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए दो कथन एक और दो दिए गए हैं, इसके दो निष्कर्ष हैं ए और बी हैं। यह मानते हुए कि कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण कर सकता है? अंग्रेजी में पढ़िए पहले, टू स्टेटमेंट वन एंड टू गिवन ब्लो आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन ए एंड बी। सपोजिंग द स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन लॉजिकली फॉलो? आपका ध्यान से देखिए, ए कथन कह रहा है कि आपका कुछ धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं, बी कथन कह रहा है धार्मिक लोग जो है वो तर्क संगत होते हैं। निष्कर्ष आपका निकल रहा है तर्क संगत रूप से धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं, तर्क संगत रूप से धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे हैं, गैर तर्क संगत धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं है। किस विकल्प पर आप जाएंगे? 45th क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ये निष्कर्ष हैं, देखिए नीचे ए और बी ये निष्कर्ष हैं, इसके संदर्भ में आपने बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। जल्दी से बताइए, इन कंक्लूजन, इन निष्कर्षों को देख करके आपने बताना है कि ये सही है या गलत है।
तो उम्मीद है आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। पहला कथन निष्कर्ष पे हम देखते हैं, तर्क संगत रूप से धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। ठीक है, धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं ये यहाँ पर नहीं कहा गया है, ये कहा गया है तर्क संगत रूप से धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हम में से हिंदू में से हो, चाहे कोई भी अन्य धर्मों में से क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तार्किक रूप से धार्मिक होते हैं। तो यदि वो तार्किक रूप से धार्मिक है तो नैतिक दृष्टि से भी नैतिक रूप से भी वो अच्छे होंगे। और साथ ही ये कहा गया है गैर तर्कसंगत धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं है, यानी कि जो तार्किक नहीं है, ठीक है, जो तार्किक नहीं है और वो धार्मिक है तो वो नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो किसी भी चीज को क्या करेंगे। और अक्सर ऐसे लोगों का समाज में जो हमारे बड़े बड़े नेता वर्ग हैं वो उसका फायदा उठा लेते हैं, साधारण आम लोगों के अतार्किक होने का फायदा उठा लेते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें आपस में लड़वाते हैं और स्वयं से उन पर शासन करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो क्या कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा इंसान भी, जो एक पढ़ा लिखा भी नहीं है बिल्कुल, उसको कुछ नहीं ज्ञान है, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, उसको कुछ चीज कुछ नहीं आता, उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, उसको दुनियादारी में कोई समझ नहीं है, लेकिन ऐसा भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है लेकिन धार्मिक चीजों पर उसकी बात आ जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखता हो, उसकी धार्मिक भावनाओं को भड़का दो, वो एकदम से जोश में आ जाता है, ठीक है, कि मेरी धार्मिक भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचा दी या मेरे धर्म के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया उसने। सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है हिंदू मुस्लिम के विवादों से, ठीक है, तो एक दूसरे के खिलाफ कमेंट हो रहे हैं, एक इधर से कमेंट कर रहा है, एक उधर से कमेंट कर रहा है, एक दूसरे को बेतुके तर्कों से एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं और ये भूल गए हैं कि हम सब भारतीय हैं, कहाँ आप हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो संकीर्णता में आ जाते हैं, जो पढ़ा लिखा अशिक्षित इंसान भी है वो भी अगर उसकी धार्मिक भावनाओं को भड़का दें तो वो आसानी से भड़क जाते हैं, लेकिन हमारा जो यूथ है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो इतना पढ़ लिख गई है, वो सारी चीजें समझ लेती है कि हमें ना फालतू के विवादों में नहीं पड़ना है, चाहे हम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, हमें बस इंसानियत पे यकीन है, हम इंसानियत में भरोसा रखते हैं, और आपको भी ऐसा ही रवैया रखना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी भी कृत्य के लिए ये नहीं आरोप लगाएंगे कि वो इस धर्म का है इसलिए उसने ऐसा किया है, कोई भी किसी भी धर्म का हो कोई ना कोई उल्टे काम हर कोई करता ही है। ठीक है, इसलिए हमें क्या है यहाँ पर से जागरूक होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा कथन कह रहा है, बोथ ए एंड बी आर फॉलो, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही है, सी विकल्प पे हम जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, 45th क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक कंप्यूटर अपने डाटा को कहाँ जोड़ता और तुलता है, ठीक है, कहाँ अपने डाटा को ऐड करता है और कंपेयर करता है, सीपीयू में, मेमोरी में, हार्ड डिस्क में या फ्लॉपी डिस्क में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एक कंप्यूटर अपने डेटा को कहाँ जोड़ता और तुलना करता है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, जल्दी से बताइए। 46 क्वेश्चन का आप यहां पर उत्तर दे रहे हैं। सही जवाब है इस प्रश्न का हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क में वो क्या करता है, वो एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क में अपने डेटा को जोड़ता है और वहीं पे उसकी तुलना करता है। ठीक है, तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है, व्याख्या की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगला, एक इंटरनेट पर कंप्यूटर्स की पहचान की जाती है, एक इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान की जाती है किससे, ईमेल एड्रेस से, स्ट्रीट एड्रेस से, आईपी एड्रेस से या इनमें से कोई नहीं, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, आईपी एड्रेस या कोई नहीं इनमें से। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब है आपका जो सी विकल्प है, यानी आईपी एड्रेस से कंप्यूटर की पहचान की जाती है। कहते नहीं है कि अगर आप कोई भी
आप गलत तरीके से मैसेज कर रहे हैं किसी को, कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, तो आपका आईपी एड्रेस पता लिया लगा लिया जाएगा और उसके आधार पर आपको सजा हो जाएगी। आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अभद्र मैसेज भेज रहे हैं, अभद्र चीजों को आप दूसरों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस जो है वो पता लगा लिया जाता है उसके माध्यम से। ठीक है, तो जो सी विकल्प है बिल्कुल सही विकल्प है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है किसी भी व्यक्ति को सभी सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं को का प्रसार करने के लिए या एक अपीलीय निकाय के रूप में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के सूचना आयोगों की स्थापना या सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही या उपरोक्त सभी। जल्दी से उत्तर दीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है किसका, ए बी सी या डी? तो सभी ने उत्तर दे दिया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका डी विकल्प। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे प्रावधान जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को सभी सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना या एक अपीलीय निकाय के रूप में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना करने का कार्य इसको दिया गया है। सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही, ठीक है, इसके माध्यम से आप आरटीआई कहते हैं ना, आरटीआई लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, डाइऑक्सिन से उत्पन्न होते हैं बंजर भूमि, बिजली संयंत्र, चीनी के कारखाने, प्लास्टिक का दहन। डाइऑक्सिन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, डाइऑक्सिन किसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, डाइऑक्सिन किसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं, बंजर भूमि, बिजली संयंत्र, चीनी के कारखाने या प्लास्टिक के दहन, ए बी सी या डी? जल्दी से उत्तर दीजिए। सही उत्तर है इस प्रश्न का आपका डी विकल्प, यानी प्लास्टिक के दहन, यानी प्लास्टिक को जलाए जाने के बाद आपका डाइऑक्सिन जो है वो उत्पन्न होगा, डाइऑक्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है सेशन का, अगला और अंतिम प्रश्न। अभी भी जिन बच्चे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दें। ठीक है, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिए, जल्दी से, थोड़ा सा समय दिया जा रहा है आपको लाइक करने के लिए। बहुत अच्छा आपने किया, 50 प्रश्नों तक आप बने रहे, अच्छे से आपने अपना पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य किया है, पिछले सालों के भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए। ठीक है, तो एक रिवीजन यहाँ पर आपका हो रहा है, एक तरह से आपकी पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, तो अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है, इतना गहन तौर पर आपके साथ अभ्यास किया जा रहा है, तो आपने इसका अच्छे से लाभ उठाना है। अगला प्रश्न है, बायोगैस के मुख्य घटक हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डी ऑक्साइड। जल्दी से उत्तर दीजिए। बायोगैस के मुख्य घटक आपसे पूछे हुए। जिन भी बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा रेफरल कोड आपने याद रखना है, लाइव जेजे मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, इस रेफरल कोड से जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान से इस रेफरल कोड को देखिए और जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो इसी रेफरल कोड का इस्तेमाल करिए, बिना किसी स्पेस के आपने लिखना है लाइव जेजे। ठीक है, तो सही जो उत्तर है इस प्रश्न का वो है ए विकल्प, यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो ये जो विकल्प है बिल्कुल सही है, बायोगैस के मुख्य घटक है आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड।